हैंडसम पर्सनालिटी, स्मार्ट लुक, जिसे डांस करना भी आता हो और एक्शन भी कर लेता हो। एक फिल्मी हीरो के अंदर इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। दर्शकों, जब से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, तब से ये चलन रहा है कि किसी फिल्म को एक लंबी कदकाठी, हैंडसम पर्सनालिटी वाला व्यक्ति ही हिट करा सकता है, जिसे हम लीड एक्टर या हीरो कहते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे अभिनेता हुए जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा और अपनी तरह के एक अलग ही अंदाज से न सिर्फ फिल्मों को हिट कराया बल्कि लोगों के बीच अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। एक ऐसे ही अभिनेता हुए मराठी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन दादा कोंडके, जो न सिर्फ बतौर एक्टर कामयाब हुए बल्कि मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर के तौर पर भी सफलता के कई झंडे गाड़े। तो आज के इस खास वीडियो में हम दादा कोंडके से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प बातों का खुलासा करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक। दादा कोंडके का असली और पूरा नाम कृष्णा खंडेराव कोंडके था। चूंकि उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को गोकुलाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया। उनके पिता का नाम खंडेराव कोंडके और माँ का नाम सखुबाई खंडेराव कोंडके था। उनके पिता नायगांव स्थित एक कॉटन मिल में मजदूरी किया करते थे, साथ ही उनके परिवार की किराने की एक छोटी सी दुकान भी थी। दादा का परिवार मूल रूप से इंगावली गांव का रहने वाला था, जो पुणे के निकट भोर में स्थित है। दादा का बचपन मुंबई के नायगांव में ही बीता था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं से पूरी की। ये बचपन से ही छोटी मोटी गुंडागर्दी की वजह से नायगांव में काफी मशहूर थे और तब लोग उन्हें बंद वाले दादा भी कहा करते थे। एक इंटरव्यू में कोंडके ने खुद बताया था कि लालबाग में मेरा आतंक था और जो भी वहाँ बदमाशी करता था उस पर मेरा क्रोध बरसता था। कोई हमारे मोहल्ले में लड़की को छेड़ता तो मैं वहाँ पहुँच जाता था, सोडा वाटर की बोतल, पत्थर और ईंट, मैंने हर चीज के साथ लड़ाई की है। दादा कोंडके के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, उस पर से बड़े भाइयों के असमय निधन से घर संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी। कम उम्र में ही दादा अपना बाजार नाम की एक लोकल ग्रोसरी रिटेल चेन के शोरूम में 60 रुपए महीने के वेतन पर काम करने लगे। कम उम्र में ही अपनों को खो देने की वजह से दादा ने जिंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। उन्होंने टूटने की बजाय हंसने हंसाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और नौकरी के दौरान ही वो मुंबई के सेवा दल नामक बैंड से जुड़ गए, जहाँ उनकी मुलाकात नीलू फुले व राम नागरकर जैसे नामी रंगकर्मियों से हुई, जिसके बाद वे सेवा दल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे। बाद में उन्होंने दादा कोंडके एंड पार्टी नाम से एक ग्रुप बना लिया और शोज करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लेखक वसंत सबनीस से हुई। वसंत सबनीस दादा के नाटक खान खापुरचा राजा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दादा के अनुरोध पर वेच्चा माझापुरी कारा नामक एक नाटक लिखा, जिसने दादा के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस नाटक की कामयाबी का आलम यह था कि साल 1965 से 1975 के बीच दादा कोंडके ने इसके लगभग 1500 से ज्यादा शोज किए। बाद में देश में आपातकाल लागू होने के बाद इसका मंचन रोक दिया गया। दरअसल इस नाटक को कांग्रेस विरोधी माना जाता था, क्योंकि इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। इस नाटक में उन्होंने डबल मीनिंग सेक्सुअल कॉमेडी भी भर दी थी। हालांकि इससे नाटक तो हिट हो गया, लेकिन सबनीस को यह ठीक नहीं लगा। खैर, दादा ने इस नाटक का मंचन पूरे महाराष्ट्र में किया और एक नाटककार के रूप में खूब मशहूर भी हो गए। इस नाटक की सफलता और दादा की पॉपुलरिटी को देखते हुए उन्हें फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने नाटकों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। दादा कोंडके की पहली फिल्म बालजी पेंढारकर की ताबड़ी माटी थी, जो साल 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया था। साल 1971 में दादा की फिल्म सुगांडिया रिलीज हुई, जिसने दादा को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक नए कॉमेडियन भी मिल गया। हालांकि फिल्म सुगांडिया को शुरुआत में अच्छे सिनेमा हॉल नहीं मिल सके थे, क्योंकि उसी दौरान सदाबहार देवानंद की तेरे मेरे सपने भी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर सिनेमाघरों में उसी फिल्म के प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा था। मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर थिएटर ने तो 4 हफ्ते पहले से बुकिंग के बावजूद उनकी फिल्म को लगाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो दादा कोंडके बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच गए, जिसके बाद बाला साहब के हस्तक्षेप से सुगांडिया की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म जबरदस्त सफल भी रही। दादा ने भी बाला साहब के एहसान को हमेशा याद रखा और आजीवन शिवसेना से जुड़े रहे। दादा अक्सर बाला साहब की कई सभाओं में शामिल होकर भाषण भी देते थे और दादा की पॉपुलरिटी की वजह से सभाओं में खूब भीड़ भी होती थी। बहरहाल, इस फिल्म की सफलता से दादा का हौसला और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उनकी फिल्मों में मशहूर अभिनेत्री उषा चव्हाण मुख्य भूमिका में हुआ करती थी, साथ ही साथ राम लक्ष्मण जैसे कुशल संगीतकार और जैवन कुलकर्णी व महेंद्र कपूर जैसे गायक भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी से हमेशा जुड़े रहे। गायक महेंद्र कपूर के साथ दादा कोंडके की जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। दादा कोंडके के लिए महेंद्र कपूर के गाए हुए गीत मराठी सिनेमा में काफी मशहूर भी हुए थे। साल 1972 में दादा की फिल्म एकता जीव सदाशिव रिलीज हुई थी। बताया जाता कि महाराष्ट्र में फिल्म की हाइप इतनी जबरदस्त थी कि राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी की रिलीज डेट टाल दी थी और बॉबी 5 महीने देरी से रिलीज हुई थी। दादा कोंडके अपनी एक्टिंग में डबल मीनिंग कॉमेडी की वजह से लोगों के बीच मशहूर थे।
देखा जाए तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में द्विअर्थी संवादों की शुरुआत करने का श्रेय भी दादा कोंडके को ही जाता है। हालांकि इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल संवाद के साथ साथ कोंडके की फिल्मों के टाइटल भी इतने अश्लील होते थे कि उन्हें पास करना खुद सेंसर बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था। कई बार द्विअर्थी संवादों के कारण दादा की फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन ऐसे में दादा अपने राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल करके किसी प्रकार से मंजूरी ले ही लिया करते थे। दरअसल डबल मीनिंग डायलॉग्स ही उनकी फिल्मों की पहचान थी, जिसके दर्शक वर्ग भी अलग ही होते थे। उनकी कुछ ऐसी फिल्मों में सुगांड्या, एकता जीव सदाशिव, अधाला मरातो डोला, पांडु हवलदार, तुम चाज जमालम, राम राम गंगा राम, माँ और पलवा पलवी के नाम प्रमुख हैं। दादा कोंडके ने अपनी बेहद कामयाब फिल्मों में पांडु हवलदार को बाद में गुजराती में भी बनाया था। इस फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल निभाया था, जो इतना मशहूर हुआ था कि उसके बाद महाराष्ट्र में हवलदारों को पांडु नाम से ही पुकारा जाने लगा। फिल्म पांडु हवलदार में उनके साथ अशोक सराफ की भूमिका भी खूब पसंद की गई थी। इस फिल्म ने अशोक सराफ के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मराठी के साथ साथ दादा कोंडके ने हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कुल 4 फिल्में बनाई, जिनके नाम हैं तेरे मेरे बीच में, आगे की सोच, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में और खोल दे मेरी जुबान। उनकी पहली हिंदी फिल्म तेरे मेरे बीच में उन्हीं की एक मराठी फिल्म की रीमेक थी। दोस्तों दादा के भविष्य को लेकर ज्योतिषियों ने बताया था कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने उन भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया और सफलता की कई ऊंचाइयां हासिल की। दादा कोंडके की लगातार 9 फिल्में 25 हफ्तों तक चली थी, यानी सिल्वर जुबली रही थी और उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ था। मजे की बात कि जब दादा कोंडके की 7 मराठी फिल्मों ने लगातार सिल्वर जुबली मनाई, तभी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया था। उसके बाद उनकी 2 और मराठी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई। खास बात ये कि आज तक कोई भी निर्माता इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका है। दादा कोंडके एक सफल निर्माता थे और उन्होंने कुल 16 फिल्मों का निर्माण किया था। साल 1994 में रिलीज हुई सासरचम धोतर उनके द्वारा निर्मित आखिरी फिल्म थी। दोस्तों दादा बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। वे एक सफल अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तो थे ही, इसके अलावा एक गीतकार, संगीतकार और पटकथा लेखक भी थे। दादा के अभिनय की बात की जाए तो वह औरों से बिल्कुल हटके था। उनका कॉमिक स्टाइल बहुत से एक्टर ने बनाया है, यहाँ तक कि गोविंदा और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने भी उनके अंदाज को कई बार बखूबी इस्तेमाल किया। एक्टर राजपाल यादव भी कहते हैं कि दादा कोंडके का चरित्र करने की वे प्रबल इच्छा रखते हैं। जीवन में इतनी सफलता के बावजूद अपने आखिरी समय में दादा काफी अकेलापन महसूस करते थे। एकता जीव नाम की किताब में दादा कोंडके ने अपने जीवन में कई चीजों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने धन दौलत और शोहरत के बावजूद खुद को अकेला कहा था। 14 मार्च 1998 को मुंबई के दादर में स्थित उनके राम निवास आवास पर दिल का दौरा पड़ने से दादा कोंडके की मृत्यु हो गई थी। एक इंटरव्यू में दादा ने कहा था कि वो सीएम बनना चाहते हैं। दरअसल उन्हें पूरा विश्वास था कि बाल ठाकरे उन्हें जरूर ऐसा मौका देंगे, लेकिन अफसोस कि ठाकरे साहब ने उन्हें विधायक तक नहीं बनाया। बात करें दादा कोंडके के निजी जीवन की तो उनका विवाह नलिनी कोंडके से हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में उनका तलाक भी हो गया। उन दोनों की तेजस्विनी नाम की एक बेटी भी है। कम लोगों को ही पता होगा कि मराठी अभिनेता अक्षय वाघमारे रिश्ते में दादा कोंडके के पोते लगते हैं, जो अरुण गवली के दामाद भी हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।